गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं अर्चना सिंह 18 जून 2020 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। तो आज मैं आप लोगों के लिए क्या देश और दुनिया में नया हुआ है, स्पोर्ट्स में नया हुआ है, इकोनॉमिक्स में नया हुआ है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे और देखेंगे कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन से मेन इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं आज की डेट में। इसके अलावा मेंस की सीरीज जो मेरे चैनल पे चलाई जा रही है, तो प्लीज़ उसको फॉलो करना ना भूलें, लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल को करें। और GS 1, 2, 3, 4 चारों सीरीज लगातार कॉन्टिन्यूसली चल रही है, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए देख लेते हैं आज के कौन कौन से नए करेंट अफेयर्स हैं जो कि हम एग्ज़ाम के लिए लर्न कर सकते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने नेशनल हेल्थ केयर सप्लाई चेन पोर्टल आरोग्य पथ, जो कि कल के क्वेश्चन में हमने देखा था ये क्वेश्चन, लॉन्च किया है। तो ये किया है हमारे CSIR ने। CSIR इसका उद्देश्य होता है वास्तविक समय पर महत्वपूर्ण स्वास्थ्य आपूर्ति की उपलब्धता प्रदान करना और आरोग्य पथ निर्माताओं, आपूर्तिकर्ताओं, ग्राहकों की मदद ये करेगा। CSIR की फुल फॉर्म होगी काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद। इसकी स्थापना हुई थी 26 नवंबर 1942 को और इसके डायरेक्टर जनरल हैं शेखर श्री मंडे। तो आप लोग ये याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस संगठन ने सुरक्षा बलों की वर्दी को सैनिटाइज करने के लिए जर्मी क्लीन मशीन विकसित की है? तो ये की है DRDO ने विकसित की है। पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस में सैनिटाइजर चैम्बर यहाँ पे स्थापित किया गया और इस कक्ष को 15 मिनट के भीतर 25 जोड़ी वर्दी को स्वच्छ करने के लिए डिजाइन किया गया है। DRDO की फुल फॉर्म की बात करें तो ये है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कि रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन। इसकी स्थापना हुई थी 1958 में, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके अध्यक्ष की बात करते हैं तो ये है जी सतीश रेड्डी। तो ये आप याद रखेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में मछली की नई प्रजाति मिली है? तो ये मिली है अरुणाचल प्रदेश राज्य में। इसका जो नाम है वो लिखा है, रखा गया है सीजोथेरेक्स सिकुसी रूमेंसिस, ये नाम इसका रखा गया है। और अरुणाचल प्रदेश की अगर हम बात करें तो इसकी राजधानी ईटानगर, मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू और इसके राज्यपाल हैं BD मिश्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत में अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल को कितने साल का सेवा विस्तार दिया गया है? तो के वेणुगोपाल हमारे अटॉर्नी जनरल हैं, ये आप याद रखेंगे, और उनके एक साल का और सेवा विस्तार दे दिया गया है। इन्होंने 30 जून 1917 को मुकुल रोहतगी के स्थान पर इसे नियुक्त किया गया था। और आप लोगों को जैसा कि पता ही होगा कि अटॉर्नी जनरल जो होते हैं वो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा देश ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट में शामिल हुआ है? तो ये देश हुआ है भारत। भारत ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन इंटेलिजेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट में बतौर संस्थापक सदस्य के रूप में शामिल हो गया है। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, नेपाल के प्रसिद्ध पशुपतिनाथ मंदिर में स्वच्छता केंद्र का निर्माण कराने के लिए भारत ने कितने करोड़ रुपए देने की घोषणा की है? तो भारत ने की है 2.33 करोड़ रुपए देने की घोषणा। और इस परियोजना का निर्माण हो रहा है वो हो रहा है नेपाल भारत मैत्री विकास साझेदारी के तहत। तो ये आप याद रखेंगे इसमें एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने दावों का जल्दी निपटान करने के उद्देश्य से मल्टी लोकेशन क्लेम सेटलमेंट सुविधा की शुरुआत की है? तो ये की है कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने, मतलब कि EPFO ने। इसमें इन्होंने EPFO ने किसी भी क्षेत्रीय कार्यालय से किसी भी तरह के दावों का निपटान इसके द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार विधान परिषद की 9 सीटों पर कब चुनाव का कार्यक्रम घोषित किया गया है? तो ये होगा 6 जुलाई को। तो बिहार में 6 जुलाई को चुनाव कराए जाएंगे जो कि 9 सीटों के लिए होंगे और इसके लिए 18 जून 2020 को नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। और चुनाव के लिए नामांकन का आखिरी दिन 25 जून निर्धारित किया, मतलब कि आज नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फीफा के द्वारा जारी वर्ल्ड रैंकिंग में भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम के टीम कौन से स्थान पे है? तो ये है हमारी 108, मतलब कि 108 स्थान पे।
फीफा ने रैंकिंग जारी की है, भारतीय फुटबॉल टीम 108 स्थान पे है और इनकी जो अंक है वो है 1187 अंक के साथ। फ्रांस पहले स्थान पे है, ब्राजील दूसरे स्थान पे, उरुग्वे यहाँ तीसरे स्थान पर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कोरोना वायरस के बीच क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के चीफ एग्जीक्यूटिव CEO ने किस पद से इस्तीफा दे दिया, तो इनमें से किसने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था, तो वो है केविन रॉबर्ट्स। केविन रॉबर्ट्स हैं क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के चीफ एग्जीक्यूटिव मतलब कि CEO, और उन्हें अपने कार्यकाल में आर्थिक तंगी के कारण 80% कर्मचारियों को काम से भी निकाल दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में कोरोना वायरस में इस्तेमाल की जाने वाली दो एंटी मलेरिया दवा के इमरजेंसी यूज को वापस ले लिया है, तो ये लिया है अमेरिका ने। जिसके बाद अमेरिकी सरकार द्वारा कोरोना का इलाज के करने के दावों पर भी पानी फिर गया है, जो ये बार बार कहते थे कि हमने दवाई ढूंढ लिया, तो ये भी इनका जो दावा है वो खारिज हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत सरकार ने इनमें से किस देश में COVID-19 महामारी से निपटने के विभिन्न पहलुओं से संबंधित 4 पेशेवर पाठ्यक्रम शुरू करने की घोषणा की है, तो वो की है बांग्लादेश में। यहाँ पर भारत पाठ्यक्रम शुरू करेगा महामारी से कैसे निपटा जाता है उससे, और 14 जून से 26 जून तक चलने वाले इस पाठ्यक्रम का जो सॉरी 18 जून से 26 जून तक चलने वाले इस पाठ्यक्रम का जो उद्देश्य होगा वो बांग्लादेश में महामारी से निपटने की क्षमता को बढ़ाना होगा। तो आज के क्वेश्चन यही खत्म होते हैं। होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और एक नई सीरीज चलाई जा रही है आज का इतिहास, मतलब कि पर्टिकुलर डेज में क्या क्या न्यू इवेंट हुए थे पास्ट में हिस्ट्री में, तो उसके बारे में भी हम लोग एक नई सीरीज देख रहे हैं जो कि सिर्फ 2 मिनट की है, तो उसको भी देखना आप लोग बिल्कुल मत भूलिएगा। तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग सक्सेस मंच।